अपनी डेली लाइफ में फॉलो करके बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ, हेयर स्ट्रेंथ, हेयर टेक्सचर पा सकते हो, बिकॉज दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस की हाँ जनरली इससे अच्छा टेक्सचर, अच्छी बालों की स्ट्रेंथ और अच्छी बालों की लेंथ आती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आप सबको क्लियर कर दूँ कि जो ये वाली वीडियो है वो सिर्फ ऑयली और ग्रीसी स्कैल्प के लिए, ये वीडियो ड्राई स्कैल्प के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज आई एम ऑल्सो हैविंग अ ऑयली स्कैल्प, दैट्स वाई ड्राई स्कैल्प के लिए वीडियो मैं आपको लेके आऊँगी इफ यू वॉन्ट। कैसे मैंने अपने हेयर 2 दिन से वॉश नहीं करे और मेरी स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ऑयल आ रही है, बहुत ज़्यादा ऑयल आ रही है एंड दिस इज़ वेरी 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 गुड। और आपकी स्कैल्प ऑयली है वो अच्छी बात है, और आपकी स्कैल्प ड्राई है इट्स नॉट गुड। हर चीज़ में मॉइस्चर होना इम्पॉर्टेंट, इवन योर स्किन, इवन योर स्कैल्प, सब चीज़ में मॉइस्चर होना इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपकी स्कैल्प ग्रीसी है सो दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम, बिकॉज सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन हमेशा ग्रीसी स्कैल्प में। ग्रीसी स्कैल्प क्या होती है, अगर आप अपने हेयर्स को 2 दिन तक वॉश नहीं करोगे आपके स्कैल्प में ऑयल आएगा, लेकिन ऑयल के साथ साथ अगर आप अपनी हेयर्स की मूवमेंट ऐसे या ऐसे करोगे ना तो आपको हेयर्स में पेन भी होगा बहुत ज़्यादा। तो ये होती है ग्रीसी स्कैल्प हमारी, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ फॉलो करनी है, अगर आपकी ग्रीसी स्कैल्प है तो आपको इसको वीक में 2 टाइम यूज़ करना है, जब भी आप हेयर वॉश के लिए जाओ उससे पहले। और अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है तो आपको इसको वीक में 1 टाइम यूज़ करना है, जब भी आप हेयर वॉश के लिए जाओ इसको। तो ये है हमारे पास सैवलॉन और पानी का मिक्सर, मतलब सैवलॉन का आपको जो क्वांटिटी है वो कम ले रही है और पानी की क्वांटिटी ज़्यादा दे रही है। और प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ सैवलॉन ही यूज़ करना, डेटॉल यूज़ मत करना, बिकॉज डेटॉल बहुत हार्श होता है, इसलिए आई यूज़ सैवलॉन। इसको आपको अपनी पूरी स्कैल्प में अच्छे से लगा करके उसको 2 मिनट के लिए मसाज करनी है, उसको छोड़ देना है एटलीस्ट 15 मिनट के लिए, उसको अप्लाई करते हैं। सो कि अगर आपको आपके आपकी क्या है स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो उसके लिए भी बेस्ट रेमेडी है, एकदम बेस्ट रेमेडी, बिकॉज डैंड्रफ क्यों होती है, डैंड्रफ ज़्यादातर ग्रीसी स्कैल्प की होती है हमेशा, ज़्यादातर ग्रीसी या तो फिर ड्राई स्कैल्प। ड्राई स्कैल्प में आपको पता नहीं लगता इतना कि वो डैंड्रफ है या आपकी वो ड्राइनेस है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना। सो आपको उसको यूज़ कैसे करना है, आपको कॉटन लेनी है, उसको ऐसे अच्छे से सोख करके जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल करके पार्टीशन लो अपने हेयर्स की, उसको ऐसे ऐसे रब करना है स्कैल्प पे आपको, ठीक है, ऐसे ऐसे करके स्कैल्प। और ये जनरली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपकी ग्रीसी स्कैल्प है तो आप इसको जब भी हेड वॉश करते हैं तब लगाइए 15 मिनट्स पहले। अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ भी है तब भी ये बहुत अच्छा रेमेडी है। अगर आप भी मेकअप आपने पूरी स्कैल्प में अच्छे से नहीं लगा सकते तो आप किसी की हेल्प लेंगे, जैसे मैंने इसकी हेल्प ली है। तो मैं 15 मिनट्स से रखूँगी, उसके बाद इसको रिंस आउट कर लूँगी। तो इसको लगाने के जो बेनिफिट्स होते हैं वो ये है, अगर आपकी ग्रीसी स्कैल्प है, ग्रीसी स्कैल्प का मतलब होता है कि आपकी स्कैल्प में बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाते हैं, आपकी स्कैल्प बहुत जल्दी डर्ट पकड़ लेती है, और तो इसके लिए ये बेस्ट है क्योंकि ये आपकी स्कैल्प को पूरी अच्छी तरीके से क्लीन करता है, पूरी अच्छी तरीके से क्लीन करता है। आपकी ऑयली स्कैल्प है तो उसको आप बाहर जाते हो, बाहर मॉइस्चर होता है, उसमें बहुत मिट्टी होती है तो आपकी स्कैल्प जो होती है वो कैच कर लेती है, उसके लिए बहुत बेस्ट है। और आपको अगर डैंड्रफ है आपकी स्कैल्प पे तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। सो मैंने अपने हेयर्स को पूरा अच्छे तरीके से रिंस आउट कर लिया, मतलब सिर्फ और सिर्फ पानी से वॉश करना है, शैम्पू अभी अप्लाई नहीं करना है इस पर, बिकॉज अभी हम करने वाले हैं एक और स्टेप। ओके, बंदों को देखा है कि अपने बालों को जो नहा करके आते हैं वो ऐसे ऐसे करके झाड़ते हैं, मत झाड़ा करो, बाल वीक होते हैं उसमें, और उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, बालों में स्पीड एंड जाते हैं, तो ऐसे ऐसे वॉश मत करा करो। आपको कहते हैं अपने बालों को सुखाना है, आप ऐसे ऐसे कर लीजिए, ऐसे ऐसे डाप डाप कर लीजिए, लेकिन ऐसे ऐसे मत कीजिए। तो हमको पूरे अपने बाल को ड्राई नहीं करना है, इसको मतलब 40-50% ड्राई करना है, बाकी अपने बालों को वेट ही रहने देना है, वो भी बताऊंगी क्यों वेट रहने देना है। अब हम अपने बालों में शाइन और सॉफ्टनेस लाने के लिए जो अप्लाई करने वाले हैं वो है दही और विटामिन ई की कैप्सूल्स। विटामिन ई की कैप्सूल आपको कहीं भी किसी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाएगी,
तो यूजली जो बनते होते हैं वो एक कैप्सूल अप्लाई करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दो कैप्सूल अप्लाई करूँगी ओनली टॉवल ड्राई हेयर्स में। बिल्कुल भी सूखे हेयर्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज जब हमारे बाल गीले होते हैं, जो हमारे बाल के क्यूटिकल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो इसलिए अगर प्रोडक्ट बाल के क्यूटिकल ओपन हो जाएंगे तब हम अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जो हमारी विटामिन ई की कैप्सूल होती है उसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, बहुत गंदी, लेकिन विटामिन ई इज बेस्ट रेमेडी फॉर हेयर्स। आपकी आपके हेयर्स में शाइन और स्मूथनेस लाने के लिए बेस्ट हेयर्स बेस्ट रेमेडी है, इसलिए हमें इसे अप्लाई करनी पड़ती है हेयर्स में। मम्मी कोई विटामिन ई की कैप्सूल की स्मेल नहीं पसंद, इसलिए मम्मी चम्मच से लगा रही है। नहीं बट मम्मी भी हाथ यूज़ करेगी, क्योंकि बिना हाथ के तो काम होने नहीं वाला। सो आफ्टर अप्लाइंग दिस आपको इसको एटलीस्ट हाफ एन आवर तक रखना है, एंड डोंट वरी इसमें स्मेल आती है, लेकिन अगर आपको इसको वॉश कर लो कि अच्छे से शैम्पू से, आपको इसमें कोई भी बिल्कुल भी स्मेल नहीं आनी, बिल्कुल भी नहीं आने वाली। और सबसे बड़ी गलती जो हर कोई करता है, हर कोई अपने लिए सही शैम्पू ज़रूर ढूंढो, ज़रूर ज़रूर अपने हेयर टाइप के हिसाब से आप अपने लिए एक अच्छा शैम्पू ज़रूर ढूंढो, चाहे वो शैम्पू कोई भी हो। अगर आपकी स्कैल्प ग्रीसी है तो आई विल सजेस्ट कि आप डॉक्टर रिकमेंड ही शैम्पू को यूज़ करें, लेकिन अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के शैम्पू आपको यूज़ करके पहले खुद देखने में जो आपको सूट करेगा। आपको एक वेल इंटरनेशनल का भी सूट कर सकता है और आपको एक क्लिनिक प्लस सूट कर सकता है। मैं कोई नहीं बोलूँगी कि एक पर्टिकुलर ये शैम्पू उसको ये यूज़ करो, जो मैं को सूट करे शैम्पू, मतलब मैंने आई यूज़ वेल इंटरनेशनल शैम्पूज, मुझे वो सूट नहीं करा। एलिमेंट शैम्पू मैंने यूज़ किया, मुझे वो सूट नहीं करा। मैंने मैट्रिक्स अप्लाई किया, वो सूट नहीं किया। एट द लास्ट जा करके आई ट्राई दिस, ये स्टाइल अरोमाथेरेपी का मोरक्कन शैम्पू, ये मेरे हेयर्स में इट्स लाइक अ मैजिक। मेरी हेयर्स को जितनी भी ब्रेकेज थी मेरे हेयर्स की सारी सॉल्व कर दी है। मेरे जो भी हेयर फॉल होता था वो भी इसने एटलीस्ट 60-70% कम कर दिया। ये मेरे हेयर को सूट करा, आई डोंट नो ये आपके हेयर्स को कि कौन सा शैम्पू सूट करेगा। एंड ऑलवेज यूज सल्फेट फ्री शैम्पू इफ़ यू आर हैविंग अ ड्राई स्कैल्प, बिकॉज जो सल्फेट फ्री शैम्पू होते हैं आपके बाल में मॉइस्चर क्रिएट करता है, मॉइस्चर आपकी सिर्फ ड्राई स्कैल्प के लिए अच्छा रहेगा। अगर आपकी हेयर अगर आपके स्कैल्प ऑयली है तो नेवर यूज सल्फेट फ्री शैम्पू, बिकॉज नेचुरली आपके हेयर्स में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है जो निकल रहा है, इसलिए सल्फेट फ्री शैम्पू आई विल नॉट रिकमेंड फॉर ऑयली स्कैल्प। ये वाला शैम्पू इसमें भी एटलीस्ट 10% 10-5% सल्फेट है, बिकॉज सल्फेट यह करता है आपकी जो स्कैल्प होती है उसको अच्छे से क्लीन करता है, लेकिन ज़्यादा सल्फेट हमारी स्किन के मतलब स्कैल्प के लिए हार्मफुल है। मैं नहीं कहती कि सल्फेट अच्छा है, सल्फेट हार्मफुल है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में। नाउ आई एम फाइनली बैक, मैंने अपने बालों को पूरा अच्छे से वॉश कर लिया है शैम्पू के साथ, इस बार रिंस नहीं करना, अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद हमें अप्लाई करना है अपने बालों में सिरम। सो जो मैं सिरम यूज़ कर रही हूँ वो है वेला इंटरनेशनल ऑयल रिटेंशन सिरम। सो थोड़ा सा लेना है अपने हाथ पे रब, और हमेशा सिरम अपने पूरे टेल से नीचे में लेंथ में अप्लाई करते हैं हम, वी ऑल नो दैट। हम सबने बात कर ली अपने बालों अपनी स्कैल्प को क्लीन करने की, हमने बात कर ली हमारे हेयर्स में शाइन और सॉफ्टनेस लाने की, लेकिन एक पार्ट अभी हम मिस कर रहे हैं, वो है हमारे बालों की स्ट्रेंथ। हमारे की बालों की जो स्ट्रेंथ होती है वो दो चीज़ पर डिपेंड करती है, हमारी डेली लाइफ रूटीन और हम क्या खाते पीते हैं उस पर। तो अपनी रूटीन में बायोटीन्स ऐड कर लीजिए, बायोटीन्स ऐड कर लीजिए और विटामिन ई, ये दो चीज़ें ऐड कर लीजिए फॉर हेयर्स, इफ नॉट फॉर हेयर्स, आपकी सेल्स रीजनरेशन के लिए भी बायोटीन और विटामिन ई बहुत अच्छा वर्क करते हैं। इसके और एक काम कर सकते हैं, वो है हमारा राइस। राइस होता है बेस्ट सोर्स स्टार्च का, तो स्टार्च हमारे बालों की स्ट्रेंथ के लिए काम करते हैं। तो हमको क्या है, कुछ नहीं करना उसमें, पानी और इसमें राइस है, राइस को हमको रात को भिगो कर रख देना है, उसको बॉटल स्प्रे बॉटल में रखना है, ठीक है। और उसके बाद अपने बालों में हल्का हल्का अप्लाई करना है, अभी अप्लाई नहीं करी बिकॉज मैंने अभी हेड वॉश किया है। इसको हम रात को उस टाइम अप्लाई कर सकते हैं। फिर अब हम बात करते हैं अपने बालों की रीग्रोथ को लेकर के। सो रीग्रोथ के लिए बेस्ट है रोजमेरी।
रोजमेरी को आप घर में भी बना सकते हो, उसकी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट में दिखाऊंगी, लेकिन रोजमेरी का जो इफेक्ट है वो आप यहाँ पर देखिए कि जो जितने भी मेरे न्यू बेबीज हेयर हैं ये सब कुछ रोजमेरी की वजह से ही आए हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो, आई होप यू लाइक इट, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। बाय।